हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। तो गाइस, आज है बचबारस। सभी औरतों को बचबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। तो अभी मैं और मेरी सासू जी, काकी जी और कोमल भाभी जा रहे हैं बचबारस की पूजा करने को और कथा सुनने को। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखे। अभी हम यहाँ गांव में ऊपर की ओर आए हैं, यहाँ कथा सुनने व पूजा करने को। यहाँ पहले से मिट्टी की गाय बछड़ा और बावड़ी बना रखी है और मैं अभी इनकी कर रही हूँ पूजा। यह त्यौहार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष द्वादशी को मनाया जाता है। इस व्रत में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़ा नहीं मिले तो मिट्टी के बनाकर भी पूजा कर सकते हैं और मिट्टी से बावड़ी बनाकर उसकी पूजा करनी होती है। फिर कथा सुननी होती है और फिर गाय और बछड़े की पूजा करनी होती है, अगर मिल जाए तो। और नहीं मिले तो फिर मिट्टी से बने हुए गाय और बछड़े, उनकी पूजा तो करनी ही है। पूजा कर ली है हमने, अब हम सुन रहे हैं कथा बचबारस माता की। अभी हम आए हैं यहाँ गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए। गाय के जो बछड़ा होता है और बछड़ी दोनों की पूजा करी जाती है, पर यहाँ अभी गाय दिख नहीं रही है तो हम कर रहे हैं यहाँ पर अभी गाय के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। जब मैंने बछड़े की पूजा करी तो बछड़ा मुझे देखकर दूर जा रहा था। लगता है बछड़े को ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है उसको। हमने जिन बछड़ों की पूजा करी उनकी माँ ये है, वहाँ तो नहीं थी पर यहाँ हमें रास्ते में मिल गई। अच्छा हुआ मिल गई, अब हम इनकी कर रहे हैं पूजा। और ये गाय है जो मारती रहती है गांव में, इसलिए मुझे लग रहा है इस गाय से डर और मैं दूर से ही इसकी पूजा कर रही हूँ। और जैसे ही मैं गाय की पूजा करने के बाद जो ये नारियल होता है ना, वो नारियल उतारने गई ना, तो गाय ने मुझे पीछे से लात मारी पर मुझे लगी नहीं। नारियल को पूंछ से लगा कर फिर अपने बच्चे को देते हैं, तो गाय के पूंछ से लगा नहीं था इसलिए मैं वापस से लगा रही थी और वो गाय बार बार लात मार रही थी। मेरी गुड़िया सुबह स्कूल गई थी इसलिए मैंने स्कूल से आने के बाद इसको नारियल दिया। इस व्रत में जो बच्चा होता है वो पीछे से नारियल लेता है माँ के, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इनकी मम्मी ने सुबह ही स्कूल जाते समय इनको नारियल दे दिया था। खाने में मैंने बनाया है ये मूंग और मैं अभी बना रही हूँ मक्के की रोटी। और इस व्रत में गाय का दूध, दही, चावल और गेहूँ नहीं खाते हैं और चाकू से कुछ भी नहीं काटते हैं, चाकू से कुछ भी चीज़ काट कर नहीं खाते हैं इसमें। और इसके पापा आ गए हैं और हम अभी साथ में बैठ के खाएंगे। मैं अब खोलूँगी व्रत। अब मैं खोल रही हूँ व्रत। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।